जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सीनियर लाडलू लाडलू, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली SSC GD की पोस्टों को लेकर, क्योंकि SSC GD की जो ये वाली पोस्ट है ये सबको हजम नहीं हो रही। काफी बच्चों को लग रहा है कि ये काफी कम वैकेंसी है, 26,146 पदों पर। क्यों? क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी वो लगभग 50,000 पदों पर थी, आप सभी को पता था। और इस वैकेंसी में क्या हुआ था कि जब पोस्ट आई थी तब आई थी 24,369 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई थी, और जब क्लोज हुई थी तब हुई थी 50,000 पर। इसीलिए काफी बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर इस बार भी पोस्ट है क्या बढ़ेगी और कब तक बढ़ सकती है पोस्ट है। देखो बढ़ने का तो ऐसा है कि SSC GD के अंत समय में, यानी जब जैसे GD फाइनल रिजल्ट जारी करे उस दिन भी पोस्टें बढ़ सकती है। ऐसा हुआ है SSC GD में कई बार, ऐसा हुआ जब फाइनल मेट आती है उस समय 5,000 पोस्टें बढ़ा देती है, कभी 2,000। पिछली बार भी आपने देखा होगा 24,000 पे आई थी, फिर हुई थी 45,000, और फिर बाद में 5,000 और प्लस कर दी थी, इस प्रकार से 50,000 गई थी। तो इसी को लेकर काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार कब तक वैकेंसी बढ़ सकती है। देखो ये पिछली बार तो वैकेंसी बढ़ी थी, लेकिन इससे पिछली जब वैकेंसी हुई थी तब 25,271 पदों पर ये भर्ती हुई थी, और ये भर्ती पूरी इसी पदों पर क्लोज हो गई, इसमें नहीं बढ़ी थी। हाँ बोलते सभी है कि SSD में पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए कमाल की बात यह है कि अगस्त 2024 में फिर से SSD की भर्ती होती है, वही आपके जो लिए जो कमाल की बात है वही नेगेटिव बात है कि हो सकता है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी ना बढ़ाए, क्योंकि अगली वैकेंसी भी आपको तुरंत दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ती है तो कब तक बढ़ सकती है? अगर ये वैकेंसी बढ़ती है तो मैं आपको बता दूं कम से कम 15-20 हज़ार से कम नहीं बढ़ेगी ये वैकेंसी, ये ध्यान रख लेना। अगर ये जाएगी वैकेंसी तो 40-45 हज़ार पर ये जाएगी जाएगी। और नोटिफिकेशन, ये जो फॉर्म भर रहे हो सकता है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट आए उससे पहले पहले ये वैकेंसी बढ़ जाए, अगर उसके पहले नहीं बढ़ी तो फिर ये मेडिकल के बाद ही बढ़ेगी, उस दौरान बीच में कभी भी SSC GD की वैकेंसियां नहीं बढ़ती है, ये बात आप ध्यान रखना। साथ ही आप सबको बता दूं जो भी बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, अगर आप SSC GD एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। ये ओल्ड पेपर वाली जो बुक है ये सबसे, आप इसकी रेटिंग जाके देखना, बच्चों के कमेंट देखना, सबसे बेस्ट बुक बताएंगे आपको। आप फ्लिपकार्ट से ये बुक ले सकते हैं या अमेजन पे ये कुछ पैसे कम में मिल रही है तो आप ये वहां से ले सकते हैं, ठीक है। इस पूरा हस्तलिखित सॉल्यूशन है, इसमें 40 ओल्ड पेपर है जो 2023 में आए थे, ये आपकी काफी मदद करने वाली बुकें हैं अगर आप SSC GD टारगेट करते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में आप हमारे निरंतर बेच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 99 रुपए है। ये हमारे क्लासरूम से लाइव रहता है, आपका इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है। देखो पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े, इसके बजाय आप तैयारी पे इतना ध्यान लगाओ, जिन बच्चों की एज ऐसा लग रहा है कि वो अगली बार ओवर एज हो जाएंगे, यानी 23 साल वाला उनके पास में आखिरी मौका है, तो उनको तो दिमाग से एक कीड़ा निकाल देना चाहिए कि पोस्टें बढ़ेगी, क्योंकि जो 25,271 पोस्ट में वैकेंसी हुई थी ना, इसकी कट ऑफ आपको एक कमाल की बताऊं, इसकी कट ऑफ और ये 50,000 वाली कट ऑफ, अब आपको लगेगा सर 50,000 पोस्ट में जो वैकेंसी थी तब तो कट ऑफ कम गई होगी क्योंकि 25,000 पे जो कट ऑफ गई थी उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। 25,271 पोस्ट पर जो फाइनल मेट रही थी और 50,000 पे जो फाइनल मेरिट रही थी, दोनों में कोई ज्यादा अंतराल नहीं था, एक दो नंबर का अंतराल था, इसके अलावा कुछ अंतराल नहीं था। तो 26,146 पोस्ट पर भी जो अंतराल है वो ज्यादा नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि 50,000 जब वैकेंसी रही थी तब एज में 3 साल का छूट था, इस बार एज में 3 साल का छूट काट दिया गया है, तो इससे कॉम्पिटिशन डाउन होगा, कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर, बिना ये सोचे कि पोस्ट बढ़ेगी। अब आप सोचो कि सर आपने थंबनेल में लिखा पोस्ट कब बढ़ेगी, वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि आपके मन में यही चल रहा है कि पोस्ट कब बढ़ेगी, चांसेस कम है। लेकिन अगर बढ़ी तो या तो नोटिफिकेशन जो फॉर्म की डेट क्लोज होने है उससे पहले, नहीं तो अंत में, उसके बीच में नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप अपने माइंड में ये मान लीजिए कि नहीं बढ़ेगी, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अगस्त वाली जो वैकेंसी है उसमें फिर हाथ पैर मारने। तो अगर आप अभी से बढ़िया से तैयारी करोगे तो या तो इसमें सिलेक्शन ले लोगे या उसमें। अब जिन बच्चों की ओवर एज हो जाएगी उनको तो यही आखिरी टारगेट और यही पोस्ट ऑफ वैकेंसी अपनी अंतिम माननी चाहिए, और ये मान के ही तैयारी करनी चाहिए लाडलो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।